नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी 2578 पदों पर निकली हुई है जो कि 2023 की वैकेंसी है, लेकिन लगातार वैकेंसी समय से ना होने की वजह से ये वैकेंसी 2024 तक भी आ गई। यानी कि बहुत से ऐसे जिला है जिस जिले में अभी तक सूचना जारी नहीं हुआ है और बहुत से ऐसे जिला है जहाँ पे सूचना आना शुरू भी हो गया है। तो इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन जिला का सूचना आ गया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे फॉर्म जमा करना है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टोला सेवक भर्ती के रिगार्डिंग। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिल सके। वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो सर्च बार का एक ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आपको लिखना है बिहार टोला सेवक, इस तरीके से लिखकर उस पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसे सर्च के ऑप्शन क्लिक करेंगे इस तरीके से आर्टिकल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। टोला सेवक वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर वो सारा प्रक्रिया बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो जाकर वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कौन कौन से जिले में वैकेंसी आ चुकी है, कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो टोटल पद रहने वाला है पूरे बिहार के सभी जिले को मिलाकर यानी 2578 पद रहने वाला है, जो कि इसकी योग्यता की बात करते हैं यानी कि 10वीं पास इसकी योग्यता पास लगता है। और बात करते हैं इसको लेकर सैलरी, यानी सैलरी इस बार बढ़ा दिया गया था, यानी जो पहले सैलरी था 11,000 रुपये प्रति माह था, जिसे बढ़ाकर यानी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में यानी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें यानी 22,000 रुपया सैलरी कर दिया गया है। जो कि आयु सीमा की बात करते हैं, कम से कम आपकी आयु 18 साल से होना चाहिए और अधिक 45 साल का, यानी 18 से 45 के बीच में इसको लेकर उम्र सीमा मांगा गया। और ये आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होता है, इसको लेकर कोई शुल्क वगैरह आपको नहीं देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको चेक करना है, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से डेट वगैरह के बारे में बताया गया था, जो कि ये डेट अब आपको लाइक नहीं है क्योंकि ये डेट ऑफिशियली डेट जारी किया गया था कि यानी 9 अगस्त 2023 से सभी जिले में इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया लिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वैकेंसी बारी बारी से जिले में आ रही है तो उसका डेट अलग अलग कर दिया गया है, तो इस डेट के बारे में अब नहीं जाने तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर जब आवेदन करने जाएंगे जिस जिले में वैकेंसी निकली गई या जिस जिले निकली हुई है, उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उस समय आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे मैट्रिक पास रहना चाहिए और जिस कैटेगरी में वैकेंसी आएगी वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको देखना और कहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उस समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता पासबुक लगेगा और मांगे जाने वाले जो भी शैक्षणिक दस्तावेज होगा मैट्रिक का, और साथ ही अगर आपके पास कुछ अनुभव है किस संस्था में काम किए हैं उसका भी आपको, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आपको देना पड़ेगा। उस समय आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, मोबाइल नंबर और फोटो वगैरह चीज देना पड़ेगा। अब आपको कैसे अप्लाई करना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि लाइव नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिंक दिया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिंक तो दिया गया है, यहाँ पे देखें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिखा है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ पे सभी जिला के यहाँ पे देख सकते हैं फेमस जो फोटो होगा यानी पैलेस होगा वहाँ का नाम दिखाई देगा और नीचे भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो आप अपने जिले के नाम पर क्लिक करें, हम एग्जांपल के तौर पर कोई जिला ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हम अरवल जिला लेते हैं, इस पर आप क्लिक कर देना है। आप अपने जिले के नाम पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आएंगे तो होम के बटन पर तो आप ऑटोमेटिकली चले आएंगे, यानी कि आपके अपने जिले के NIC पोर्टल पर आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जिला का यहाँ से जो भी होगा दिखलाई देगा। सर्च बार में आपको यहाँ सर्च बार का ऑप्शन दिखलाई देगा, इस पर आपको लिखना है शिक्षा सेवक नहीं तो टोला सेवक, आप लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, एक बार दोनों लिखकर सर्च करिएगा क्योंकि टोला सेवक का भी आ सकता है और शिक्षा सेवक का भी आ सकता है, तो दोनों आप लिखकर सर्च करिएगा, उस पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके जिले में टोला सेवक वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई सा भी नोटिफिकेशन आया होगा तो आपके डिस्प्ले पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रक्रिया भी हम आपको बता देते हैं उसके रिसर्च चेक करना है। जैसे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ 3 लाइन का भी ऑप्शन मिलेगा ना, तो बहुत से ऐसे NIC जो जिले हैं बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे यहाँ पर भी नोटिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर इसमें आपको नहीं दिखाई देगा तो यहाँ 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नोटिस के ऑप्शन में जाएंगे, उस पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जाएंगे। अब जिस इस पर क्लिक करेंगे अचीव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो भी टोला सेवक के रिगार्डिंग आया और भी अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी आपके जिले में कौन सी वैकेंसी चल रही है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही टोला सेवक रिगार्डिंग इस जिले में, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। और यहाँ से भी नहीं देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज में भी आप देख लीजिए क्या नई आ रही है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेक्शन
फोर्थ द पोस्ट ऑफ शिक्षा सेवक तालमी मर्ज का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, यानी कि आपको तीनों प्रोसेस हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको अपने जिले में चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो दिखलाई देगा नोटिफिकेशन जो कि 29 दिसंबर 2023 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज इस किया। तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे जिला के आपको एग्जाम्पल के तौर पर और भी बता देते हैं किस जिले में आइए, जिसे नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे, चलिए हम गया जिला को ले लेते हैं, इस पर क्लिक कर देना आप। जिसे इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा जो कि देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वैकेंसी कैटेगरी एंड सिलेक्शन ऑफ शिक्षा सेवक तालीम मर्ग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि हाल ही में वैकेंसी आई यानी 6 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए अब आपको बता देते हैं, इसी तरह से आप चेक कर लिए, क्योंकि पहले जिले का भी हमने आपको चेक करके बताइए, दूसरा जिले का हम बता रहे हैं, आप अपने जिले पर चेक करिएगा, उस तरीके से नोटिफिकेशन दिखलाई देगा। अब जहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है वहाँ पे लोग आवेदन भी किए हैं, उनका मेरिट लिस्ट भी आया है और जो भी है नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया गया है। तो आप अपने जिले का देख लीजिएगा, अगर आपके जिले में आया होगा तो आप अप्लाई करिएगा। तो आप कहाँ से देखेंगे कौन कौन से मतलब जगह वैकेंसी निकली हुई, तो इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि गया जिला का हम बता रहे हैं, आप अपने जिला का चेक करिएगा। नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया, जो कि विज्ञापन संख्या 6 जनवरी 2024 को रिलीज किया, जिस दिन से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाता है उसके लिए लास्ट डेट यानी कि 15 जनवरी 2024 तक आवेदन आप कर सकते हैं। अब आवेदन कहाँ पे करना है तो जो बताया गया है, जैसे आवेदन कहाँ पे करना है तो समिति के सदस्य संयोजक चिन्हित जो विद्यालय होता है उसके उनके प्रधान अध्यापक को आपको फॉर्म देना है, उनके द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करने के बाद तिथिवार पंजीकरण में साधारण एवं आवेदक प्राप्ति रसीद देना होगा और पंजीकरण के पृष्ठांक के सत्यापन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि गया जिले में वैकेंसी तो आ चुकी है जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया लास्ट डेट 15 जनवरी 2024 तक रखा गया है और जो भी इसका मेगांक जो गणना होगा यानी 22 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। आपत्ति जो निमंत्रण होगा आमंत्रण यानी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं 29 जनवरी 2024 तक करा सकते हैं और जो भी उस आपत्ति जो दर्ज कराएंगे उसका निराकरण जो होगा 2 फरवरी 2024 तक कर दिया जाएगा और जो भी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा यानी कि अंतिम मेगा सूची जो प्रकाशन किया जाएगा 6 फरवरी 2024 को किया जाएगा। ये हम गया जिला का बता रहे हैं, आपके जिला में आएगा तो उसका अलग डेट होगा, ऐसा मत समझिएगा सभी जिला का एक ही डेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने जिला का चेक करेंगे तो उसमें अलग होगा, इस तरीके से देख लीजिएगा। जो कि नियुक्ति पत्र इसका होगा यानी नियोजन पत्र का वितरण जो होगा 27 फरवरी 2024 तक इसको लेकर फाइनल यानी सिलेक्शन कर लिया जाएगा गया जिले में। तो आप गया जिला से आते हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। और बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में, तो योग्यता के बारे में हमको बताई दिए, मैट्रिक पास इसको रखा गया है यानी कि मैट्रिक जो भी मार्क्स के अनुसार इसका मेरिट तैयार होता है और जब भी आपका नंबर ज्यादा रहता है तो आपको सिलेक्शन मिल जाता है। ये देख सकते हैं गया जिला का बताएगा जहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे प्रखंड का नाम है अमास, एक प्रखंड पड़ता है जिसमें पंचायत का नाम है समकला और गांव का नाम है वृद्धावन और टोला का नाम है वृद्धावन, जो कि संबंधित जो विद्यालय में वैकेंसी आई है राजकीय मध्य विद्यालय वृद्धावन जिसमें कोटि की बात किया गया पुरुष कैटेगरी से, यानी कि इसमें पुरुष कैटेगरी ही आवेदन करेंगे। और किस कैटेगरी से तो महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट आते होंगे यहाँ पे आवेदन करेंगे, जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई वहीं के कैंडिडेट लोग आवेदन करेंगे। अगर आप अदर से आते हैं तो आप आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, जहाँ से वैकेंसी निकली हुई वहीं के लोग आवेदन करेंगे तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत वैकेंसी निकली हुई जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लगभग दिया गया है, यहाँ पे 22 पद दिया गया है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अंचल योजना के अंतर्गत शिक्षा से तालमी मर्ज के हेतु प्रखंड निर्धारित जो किया गया है ये भर्ती है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो बताया गया है टोला सेवक यहाँ से शिक्षा सेवक चयन हेतु प्रखंड वार निर्धारित किया गया, यानी शिक्षा सेवक दिया गया है जो भी ये पद निकला है शिक्षा सेवक का है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यह बता दिया गया है टोला सेवक का, देख सकते हैं शिक्षा सेवक तालमी मर्ज का वैकेंसी है। तो इस तरीके से भी आप देख लीजिएगा अपने जिले का और जहाँ भी वैकेंसी आई हो आवेदन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर हम पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है कहाँ पे जमा करना है, अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।